नमस्कार, यूपी के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज त्यागी। यूपी के बदायूं जिले को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का बीड़ा स्वयं जिलाधिकारी बदायूं ने उठाया है। इसका असर सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारियों और नगर पालिका नगर पंचायत पर भी देखने को मिल रहा है। इस मिशन में नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष भी स्वच्छता अभियान में जिलाधिकारी के साथ स्वच्छता अभियान को तरजीह दे रहे हैं। आपको बता दें कि सफाई के मामले में बदायूं की गिनती पिछड़े जिलों में होती है, लेकिन अब बदायूं को स्वच्छ बनाने का अभियान शुरू हो चुका है, जिसमें इस्लामिया कॉलेज की दीवारों पर मिसाइल मैन कलाब साहब की पेंटिंग और स्कूल चलो अभियान जैसी पेंटिंग इस बात की गवाह है। आपको बता दें कि जिला अधिकारी दिनेश कुमार सिंह बदायूं ने नगर पालिका की मीटिंग करके आदेश दिया है कि वॉल पेंटिंग का ठेका किसी को नहीं दिया जाएगा, हम खुद से वॉल पेंटिंग करवाकर दीवारों को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। इस्लामिया कॉलेज से शुरू हुए इस अभियान में अभी कलेक्ट्रेट, IAS, गेस्ट हाउस और शहर की अन्य दीवारें भी जल्द शामिल होंगी। DM के इस पहल ने कई लोगों के दिलों को छू लिया है और अब वो भी DM के साथ ही इस अभियान से जुड़ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी मुजफ्फरनगर अपनी सेवा के दौरान DM दिनेश सिंह ने ऐसे ही वॉल पेंटिंग करवाया था, जिससे मुजफ्फरनगर जिले की ना केवल काया बदली थी बल्कि अपना हुनर भी देखने को मिला था। नगर पालिका के अध्यक्ष EO की बैठक की थी, उसमें हमने पूछा था किसी ने कोई ठेका तो दीवारों पर विज्ञापन लिखने के लिए तो नहीं किया, तो सभी ने बताया कोई ठेका नहीं है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने लिखित में आदेश जारी कर दिए हैं कि ऐसे सभी जगहों पर जहाँ पर दीवारों पर विज्ञापन लिखे हुए सबको मिटा दिया जाए, उनकी एक वीडियोग्राफी करा ली जाए, जिन्होंने लिखा है उनको एक नोटिस दी जाए, जो खर्चा आएगा मिटाने पर उन्हीं से वसूला जाए। और ये सभी 7 नगर पालिकाओं और 13 नगर पंचायतों में कल से इस काम को हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसके बाद जो दीवारें अच्छी होंगी उन दीवारों पर वॉल पेंटिंग बहुत सुंदर सुंदर जो सामाजिक संदेश देती हों ऐसी वॉल पेंटिंग बना करके शहर का सौंदर्यीकरण करेंगे।